अस्सलाम वालेकुम, अना खालिद शेख, मैं खालिद शेख बात कर रहा हूँ। आज का ब्लॉग है सुबरा अल ताइफ, सऊदी का एक सुपर मार्केट। आज हम देखेंगे कि यहाँ के मार्केट में और इंडियन के मार्केट में, दुबई के मार्केट में क्या फ़र्क है, और यहाँ कौन सी नई कंपनी से यहाँ का जो प्राइस रेट है क्या है, और यहाँ के कुछ लोगों से मिलेंगे जो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ काम करके, सऊदी मन को कैसा लगा है, ये सारी चीज़ें हम आज वीडियो में देखने वाले हैं। सबा खैर, अना खालिद शेख, अल्योम ब्लॉग सुबरा अल ताइफ सुपर मार्केट, सुबरा अल ताइफ। आज मेरे साथ यहाँ पर दो हैं अजनबी, एक इजिप्ट के हैं और दूसरे सूडान के, तो मैं आपको उनसे मिलाऊंगा। हाँ मुदीर, कैफा, अस्सलाम वालेकुम। ये सुबरा मार्केट है, यहाँ के मुदीर है, ये पूरा इंचार्ज यहाँ का ही संभालते हैं। इनका नाम मोहम्मद सुदानी है, मोहम्मद साद है, ये सूडान के रहने वाले हैं, काफी टाइम से सऊदी अरब में रहते हैं, काफी अच्छे हैं। मियां शुक्रन या हबीबी, शुक्रन या हबीबी। मोमिन भाई कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे है। कहाँ से हो आप? हम बांग्लादेश के हैं। बांग्लादेश से फिर भी इतनी अच्छी हिंदी आती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने साल से हो सऊदी में? हम तो 18 साल हो गए सऊदी अरब में, इस कंपनी में भी 18 साल हो गया। 18 साल से सऊदी अरब में, कहने का मतलब हमने अपनी 20% जिंदगी यहीं गुजार दी है। 20% गिन लो, 30% गिन लो। कैसा लग रहा है सऊदी अरब में? आपको क्या लगता है बांग्लादेश और सऊदी अरब में क्या फर्क है? बहुत अच्छा है सऊदी का इंसान जो है, उसका दिल बहुत अच्छा होता है, साफ होता है। हम दुआई करें आप लोग भी आके सऊदी अरब घूम के जाओ, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, आपने उम्र वगैरह किया आपने? हाँ उम्र तो बहुत हो गया, बस अभी तक बड़ा हज नहीं किया, बाकी है बस जाने से पहले वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, दुआई करें आप लोग। और कहने का मतलब, कोरोना में आपको कैसा प्रॉब्लम हुआ, कहने का मतलब यहाँ क्या देखने को मिला कोरोना के अंदर, जैसे अभी कोरोना महामारी थी? कोरोना में अंदर में थोड़ा प्रॉब्लम तो था, खाना पीना चलना फिर प्रॉब्लम था, बस ज़्यादा दिन नहीं, बस 2-3 महीना था, अभी तो बहुत अच्छा हो गया, सब पहले जैसे चल रहा है। अच्छा, आपके बांग्लादेश में बात होती है, वहाँ का क्या स्टेटस है कोरोना को लेकर? नहीं, उधर भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, पहले जो सब यहाँ भी प्रॉब्लम ज़्यादा था, अभी तो प्रॉब्लम हल्का हो गया, बस अभी पूरा बांग्लादेश में भी अभी कमते हो रहा है, कोरोना का जो यह था वायरस था वो कम होता जा रहा है, बस दुआ करो कोरोना बिल्कुल जैसे खत्म हो जाए, ये दुआ आप लोगों से मांगता हूँ, बस करते जाइए हमारे लिए दुआ करेंगे। थोड़ा हम आपसे बंगाली सुनना चाहेंगे, अपने बारे में बंगाली में बताइए। बांग्ला सुनना चाहते हो? बांग्ला तो उस लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा, ठीक आपने जो बोले थे हम बोलते हैं बांग्ला, मुश्किल नहीं है। सलामकुम, কেমন আছেন সবাই? ভালো আছেন? আমি বাংলাদেশের থেকে বলতে, বাংলাদেশের একজন মানুষ সৌদি আরবে থাকে 18 বছর ধরে, এই কোম্পানিতে আছে, আমার এই কোম্পানিতে বহুত দোয়া করবেন, আর কোম্পানির জন্য মালিক এজন মনের মতো করে করতে পারে এবং মনের মতো করে ইয়ে করতে পারে। আচ্ছা, সুপার সে গই আপ লোক কো সমাজ আইয়ে তো মুঝে বাতা দেনা। ये एक बैग है 46 रियाल, मींस इंडिया का हुआ 10,200-900 रुपए का, ये एक बैग है स्मॉल 900 रुपए का, मुमकिन ये इंडिया में 800 या 900 रुपए का होगा। ये कुर्सी है 180 रियाल की, 100 रियाल मुमकिन होता है इंडिया का 2,000 रुपया, तो ये मुमकिन 3,800 रुपये की कुर्सी है। ये बैग है 200 रियाल, 4,000 रुपये का बैग है। तो जिस तरह से आजकल प्रॉब्लम्स हो रही है कि महंगाई को लेके, जिसको बोलते हैं ना हाई रेट, ये 206 रियाल की प्रेस है, स्टीम प्रेस। मैं आपको बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा। ये गैस सिलेंडर है, छोटे, काफ़ी छोटे हैं, ये मेड इन इंडिया ही है, बट इनका प्राइस 100 रियाल, ये छोटा सा 2,000 रुपये का गैस सिलेंडर है, इंडिया में मुमकिन 15 लीटर का 600 रुपये में मिल रहा है। अब प्राइस देखिए, ये कुकर है 175 रियाल, ये आपको इसका प्राइस देख लो 32 रियाल, मुमकिन 700 रुपये 600 रुपये की ये एक पतीली है। आप इसे इंडिया में किस भाव में खरीदते हैं आपको आइडिया ज़्यादा होगा, मैं आपको बता दूंगा कि प्राइसिंग क्या है। ये बैग्स हैं यहाँ के, यहाँ के लोग ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा शौकीन है, घूमने फिरने के लिए, तो आपको अक्सर यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी।
ये बैग से, स्लीपिंग बैग। ये कप है 105 रियाल, मुमकिन 2000 रुपये के एक कप है। प्राइस देख के इंसान शौक हो जाएगा, यहाँ शॉपिंग करने के लिए लाख रुपये तो मिनिमम चाहिए, कि कोई भी चीज़ यहाँ 1000-2000 से कम की नहीं है। ये छुरी 50 रियाल की है, सब्जी काटने की, मीट काटने की 50 रियाल, मुमकिन ये हुआ 1000 रुपये की छुरी। अब आप ही सोच लो 60 रियाल, यहाँ का प्राइस इतना हाई कि मुझे लगता है कि ये दुबई और इसराइल से भी एक्सपेंसिव है, उससे भी कहीं ज़्यादा महंगा। और एक भाई मुझे दिखे, चलो बात करते हैं। कैफ आल मुदिर आंता बंगाली अरे वाना कोई हाँ बांग्लादेश, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भाई हमारे बांग्लादेश, हिंदी मालूम? अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ सऊदी में? दाऊद भाई आया, दाऊद भाई, अच्छा ये आपके सदी के हैं। दाऊद भाई 2 मिनट मिलेगी आपसे बात करनी है। ओके ओके, ये हमारे साथ जुड़े हैं दाऊद भाई। दाऊद भाई आप कहाँ से हो? इंडिया से। इंडिया से, कर्नाटक से हो? अच्छा, तो वहाँ से मैंने नाम सुना है, एक बहुत ही फेमस नाम है कर्नाटक में, बेंगलोर नहीं, एक शख्स का नाम है बहुत ही फेमस है, टीपू सुल्तान। अरे वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जानते हैं काफ़ी, तो अपने बारे में कुछ बताओ आप, यहाँ आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? सही है, आपको सऊदी अच्छा लगता है? अल्हम्दुलिल्लाह सही है। फिर भी यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस, बहुत सही है, बहुत सही। मैंने एक चीज़ यहाँ नोटिस किया, हर चीज़ का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है, इंडिया महंगा है या सऊदी? अजनबी के लिए तो इंडिया से ही दिखता है, यहाँ पे सऊदी के लिए यहाँ पे ये सब जगह सही है ना। अच्छा, उनके लिए एक्चुअली हमारी करेंसी उनकी करेंसी के, अजनबी के लिए ये महंगा है, इनका कहने का मतलब जो बाहर से आए उनको ये महंगा लगता है, इनका कहना ये है दाऊद भाई का, और ये सऊदी के लिए ज़्यादा है नहीं मुमकिन। यहाँ मैंने सुना है, मुझे एक साथी ने बताया कि यहाँ मिनिमम से ले 4000 रियाल होती है, जो कोई भी काम हो मिनिमम 4000, तो इंडिया का 80,000 रुपया हुआ, तो उनके लिए तो एक्सपेंसिव नहीं है, बट हमारे लिए कहने का मतलब आप इंडियन करेंसी में आते हो तो आपको बहुत एक्सपेंसिव होगा। चलो दाऊद, सही बात दाऊद भाई, सही है, बिल्कुल आपकी बात कहना सही है। तो अभी वो बात नहीं रही ना सऊदी में, बस आए हैं करना है बस, ऐसा है। दाऊद भाई काफ़ी दुखी मुझे नजर आ रहे, आगे उनसे हम बात करेंगे क्या मसला है, हम आगे फिर भी हम दूसरे लोग से बात करते हैं क्या है, और दूसरे प्राइस भी देखते हैं। इधर मिला था वामिक नाम था, मुझसे भी बात करते हैं कि फ्रूट्स के बारे में आपको बताएंगे क्या है यहाँ का प्राइस। ओह, इधर पानी की भी वेराइटीज़ है, देख लेते हैं। पानी को मुमकिन यहाँ सऊदी में मोया कहते हैं, ये 1 रियाल यानी 20 रुपये की एक बोतल है। सेवन अप, पेप्सी, कोको कोला, ये सारी वेराइटीज़ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरी वेराइटीज़ देखना हो तो विम्टो है, ब्लैक है, कोडेड रेड 4.5 रियाल, 90 रुपये का एक, काफ़ी एक्सपेंसिव है सऊदी। ये बियर से जो अल्कोहल नहीं है, फिरोजन, काफ़ी वेराइटीज़ आपको मिलेंगी। ये दही की वेराइटीज़ है लगता है, अलमराई, दूध, काफ़ी चीज़ें हैं इधर। ये सारे असीर थे यहाँ पर, जैसे हम लोग पानी पीना कहते हैं, इसे ये यहाँ के असीर कहते हैं इनको सऊदी में। ये केक्स है, यहाँ की मिठाई है। भाई मिले, सलाम अलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? हाँ आमिर भाई, आमिर भाई। अच्छा ये सब वामिक भाई, वाह मालिश मालिश। अच्छा इसको क्या कहते हैं अरबी में? अरबी में इसको क्या कहते हैं? अच्छा ये सब इंडिया में देखने को मिलते हैं? इसमें 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 फा कलम। माशाल्लाह, आपको अरबी पूरी आती है माशाल्लाह। चलो भाई वामिक भाई से मिला, आपसे अच्छा लगा, शुक्रिया, उनसे कुछ बात करते हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप इंडिया से हो? इंडिया से। अच्छा कहाँ से हो आप? इंडिया, हैदराबाद। हैदराबाद से हो आप, माशाल्लाह। बस पूछना था कुछ आपसे, एक्चुअली मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो बना सकता हूँ? जरूर बनाएंगे, कोई बात। तो ये सऊदी में ये जो आइटम्स यहाँ रखी हुई है,
इसको क्या कहते हैं? इसको जैतून बोलते हैं। जैतून, यहाँ बहुत सारी किस्म है, सारी जैतून की है? नहीं, जैतून है, चूना है। अच्छा ऐसा है। सुबह का नाश्ता सऊदी लोग का ये था। आई मीन सारे सऊदी इसको सुबह का नाश्ता कहते हैं। माशाल्लाह। नहीं ये सब बनाते हैं। अच्छा ये आप बनाते हो? ओके ओके, माशाल्लाह। आप काम करते हो, कर लो, कोई बात नहीं है, मैं देख लेता हूँ। शुक्रिया। देख लो आप सब चीज के प्राइस देख सकते हैं। ये हल्दी है 30 रियाल। ये सोचा था मैं सऊदी पे एक वीडियो बनाऊं, मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग मिले हैं, अलग अलग कंट्री के साथ भी दे रहे हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पर कॉफ़ी है। दाऊद भाई है, मिले, अच्छा लगा, कहने का मतलब पूरा सपोर्ट किया है मुझे। और यहाँ पर देखो एक और मुझे हिंदी नज़र आ रहे हैं, या मुंह क्यों छुपा रहे पता नहीं, शायद इनका वीडियो बनाना नहीं चाहिए, अपने आप को छुपा रहे। और यहाँ के फॉर मुदिल तईब अब तईब हजाइस सर। और यहाँ पर एक और भाई मुझे मिल रहे हैं, क्या नाम? क्या कर रहे हो तुम? जहीद भाई, जहीद भाई, इनने ही मुझे यहाँ तक ही पहुँचा का ये सुपर मार्केट अच्छा है। अभी हम इनसे भी बात करते हैं प्राइस देखने के बाद, ये यहाँ की मिठाई से। हाँ जहीद भाई, ये क्या है यहाँ की? तो बगलावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बगलावा, बगलावा, बगलावा बोलते हैं। ये केक है यहाँ के, देख सकते हैं काफी अच्छे बेहतरीन बनाए। आई मीन केक तो कॉमन ही है, बन कहने का मतलब प्राइस इनका काफी हाई है, 1000 रियाल, 1200 रियाल, मुमकिन ये 10000-15000 के केक से। और यहाँ पर रोटी लगता है सेल में पैकिंग भी मिलती है। इसको सामोली, मुमकिन सामोली, ये वैरायटी से लगभग ये पिज्जा का है, लगभग पिज्जा का शॉप बंद है इधर, इसलिए आपको मैं पिज्जा नहीं दिखा पाऊंगा। ये मीट लहम का देखते हैं क्या प्राइस है। 75 पर केजी प्राइस है यहाँ का, 62। ये चिकन की वैरायटी से कैफ आ मुझे तईब, ये यहाँ के मोलियम लग रहे हैं। के भाना कलीम सोया अजाइस अजलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई मियाँ मियाँ, यहाँ मियाँ मियाँ का मतलब होता है काफी अच्छा। ये चिकन के हैं, ये इजिप्ट के थे, जहाँ के मूसा अलैहिस्सलाम जहाँ के हैं। ये चिकन की वेराइटी, यहाँ के लोग खाने के काफी शौकीन हैं, काफी अच्छा खाने में इनको। ये चिकन है, इधर काम चल। ये फ्रोजन मुमकिन, यहाँ मैं पढ़ा था ये महीनों का स्टॉक होता है, जैसे हमारे वहाँ एक दिन का भी हम नहीं खाते, फ्रेश चिकन ही लेते हैं। यहाँ पर महीने और साल साल मुश्किल नहीं, एक्सपायरी नहीं होता। ओह ओपन, ये है फिश, सऊदी अरब फिश, लगता है बर्फ में ढक दिया है काफी। इसके प्राइस लगता है नहीं लगे हुए, मैंने एक फिश का प्राइस देखा था 16 रियाल, 1000 रुपया किलो। और ये फ्रेश रखने के लिए फिश को इन लोग एक्वेरियम में रखते हैं, अच्छा जुगाड़ है। यहाँ के लोग अक्सर प्लास्टिक की ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये कप्स वगैरह है। और नेक्स्ट के कंपनी अलग अलग है यहाँ के लोग की, जो यूज़ करने की चीज़ें, डिटॉल कॉमन चीज़ें। ये पूरा एक सेक्शन आपको दिखाना है, इसको किस बाला कहते हैं यहाँ पर। किस बाला मतलब कचरे की थैली, लोग यहाँ के लोग आई मीन सफाई में ज़्यादा मानते हैं। 24 रियाल, 24, 500 रुपये की थैलियाँ खरीदते हैं सिर्फ कचरा रखने के लिए। और खाने के लिए अक्सर इधर सुफरा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये सुफरा है, दस्तरखाना अपनी कॉमन भाषा में, गजदीर यहाँ की लैंग्वेज है, एल्यूमिनियम फॉइल्स जिसको हम वर्गा कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की, जिन लोग यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं, सऊदी के लोग, साबुन वगैरह। चलो आगे हम देखते हैं क्या है। एक और फिलिपिनी, यहाँ फिलिपिनी ज़्यादा है। कैफ आर मुदिर तईब कॉइस आई बा फ्रॉम फिलिपिन।
हाजा इसका नाम इंडोमी, मैगी को यहाँ इंडोमी कहते हैं, अलग अलग कंपनी से ये खाने की वेराइटीज। ये पैकिंग में फास्ट फूड है, फिश है, थाईलैंड, यहाँ सारी चीज़ें आपको पैकिंग में मिलेगी, चना है, उबले हुए, सब सालों साल चलते हैं। यहाँ जैतून है पूरा, सऊदी अक्सर जैतून खरीद के लिए जाना जाता है, ये जैतून का तेल से, जैतून की वैरायटी से पैकिंग में काफ़ी अच्छा है। ये मसाले हैं यहाँ के, हल्दी का भाव देख लो, और या माइनस, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक साल में एक्सपायरी वाली सारी चीज़ें मिलेगी। ये मीट है, आपको चिकन दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें एक साल में एक्सपायरी होती है। ये फ्रोजन है, चिकन का प्राइस है, यहाँ को सब्जी भी फ्रिज में मिलेगी, साल साल चलने वाली, माइनस में रखी जाती है, यहाँ कोई भी चीज़ फ्रेश नहीं मिलती है। हाँ, यूएसए का थोड़ा सा शैम्पू यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, उनको मिलता है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री एंड माइनस की मिलेगी। चलो वीडियो में यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। मैं यहाँ पर एक पाकिस्तानी भाई बिलाल भाई से, मुहिब भाई से मिला, एक्चुअली वो थोड़ा काम में बिजी थे, उनसे बात नहीं हो पाई, पर उन्होंने एक्चुअली कैमरा फेस नहीं किया, पर उन्होंने बताया कहने का मतलब। मिलने के बाद यहाँ पर विदेश में आने के बाद कोई ये नहीं पूछता है कि आप किस देश से हो, कि यहाँ पर ज़्यादातर बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, फिलीपीन के लोग हैं, कहने का मतलब एक ऐसी कंट्री से आते हैं। दुख की बात है कि इंडिया सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय एक्सपोर्ट कर रहा है फॉरेन में। एक वक्त था पूरी दुनिया इंडिया में आया करती थी काम के लिए, अंग्रेज आए, मुगल आए, आज वक्त ऐसा है कि इंडिया के लोगों को खुद बाहर जाना हो रहा है, तो इस चीज़ का भी फेस कर रहे हैं, मजबूरी है यहाँ रह रहे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है। दूसरी बात, यहाँ क्राइम रेट जीरो है, यहाँ क्राइम का इतना इशू नहीं है, यहाँ से पुलिस का डर काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ की पुलिस काफ़ी डिफरेंट है, यहाँ की आर्मी के ऑफिसर्स भी आते हैं तो अजनबी, अजनबी उससे कहते हैं जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनको जो के बाहर से आए हैं उनको अजनबी कहा जाता है। यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी रोटी लेना हो मार्केट में हो लाइन में लगते हैं यहाँ पर। ऐसा केरला के भाई है इंडिया के, उनने मेरी काफ़ी मदद की है, उन्होंने मुझे लिफ्ट दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्स का रेंट है बहुत ही एक्सपेंसिव है, ये कश्मीर की तरह यहाँ ना कोई बस चलती है ना इतनी टैक्सी होती है। तो आज हमारे केरला भाई का मैं धन्यवाद दूंगा। कैसे हो भाई? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको काफ़ी अच्छी हिंदी आती है, केरला के रहने वाले हैं, कितने टाइम से आप सऊदी में? चार साल से आप सऊदी में। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान भाई नाम है, काफ़ी अच्छे इंसान है। कहने का मतलब, परदेश में जब हमें कोई अपना मिलता है तो कहने का मतलब बहुत अच्छा लगता है यार कि कोई अपना मिल गया है, ये सारी चीज़ें हमें इंडिया में देखे नहीं पता चलती है। बताओ, आप वीडियो में बने रहें, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक की पहुँच सके। थैंक यू। नौ तवी कलश कर।